लंदन के फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपए की खरीद बिक्री बढ़ गई है, ये एक अच्छा संकेत है। शायद रुपए की खरीद बिक्री इसलिए बढ़ी है कि ट्रेडर्स इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आएगी। लंदन के फॉरेक्स मार्केट में भारतीय रुपए की बढ़ती खरीद बिक्री के क्या संकेत मिलते हैं? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेंटिमेंट यानी BIS के आंकड़ों के अनुसार लंदन में रुपए की ट्रेडिंग में उछाल देखने को मिला है। डेली वॉल्यूम अप्रैल के महीने में 46.8 बिलियन डॉलर बढ़ गया है, यह अभी तक का भारत में दर्ज किए गए 34.5 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। 2016 में यह 8.8 बिलियन डॉलर से 5 गुना अधिक हो गया है। BIS के अनुसार सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका में फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स में रुपए की ट्रेडिंग में 2016 के मुकाबले 2019 में वृद्धि आई है। यूके में 2016 में रुपए का व्यापार 8.8 बिलियन डॉलर था, जो कि 2019 में बढ़कर 46.8 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत में 2016 में यह 29.6 बिलियन डॉलर था, जो कि 2019 में बढ़कर 34.5 बिलियन डॉलर हो गया है। सिंगापुर में रुपए की ट्रेडिंग 2016 में 16.2 बिलियन डॉलर थी, जो 2019 में 18.6 बिलियन डॉलर हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 2016 में 5.9 बिलियन डॉलर की रुपए की ट्रेडिंग हुई थी, जो 2019 में 14.4 बिलियन डॉलर हो गई है। 2016 में हांगकांग में 5.6 बिलियन डॉलर के रुपए की ट्रेडिंग हुई थी, जो 2019 में 12.6 बिलियन डॉलर हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपए के बढ़ते व्यापार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा भी असर पड़ेगा? जवाब है नहीं, लेकिन एक उम्मीद जरूर बढ़ती है कि शायद रुपए की कीमत बढ़ने से थोड़ा फायदा हो जाएगा। एरिका ब्राक्टा, गो न्यूज़।